नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर बताने वाले हैं जिसमें काफ़ी तेजी देखने मिला है और आगे भी आपको काफ़ी तेजी इसमें देखने मिल सकती है, जिससे आप इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग यहां से कर सकते हैं। तो ये शेयर है हमारा फ्यूचर ग्रुप का। फ्यूचर ग्रुप में इतनी तेजी इसलिए है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री बिग बाजार को उपाय कर सकती है, बिग बाजार को खरीद सकती है। तो बिग बाजार को खरीदने का न्यूज जब पहले भी आया था तो इस पर काफ़ी तेजी देखने मिला था, वहाँ से स्टॉक एक बार फिर करेक्ट किया और फिर से तेजी इसमें देखने मिल रहा है। तो देखिए एक महीने का चार्ट दिखाएं तो ये स्टॉक्स काफी हाई जा चुका था, वहां से फिर से करेक्शन आया है। देखते हैं 142 रुपये जा चुका था, वहां से यहां काफ़ी करेक्शन देखने मिला है और अभी स्टॉक्स 95.60 रुपया का लो बनाया और फिर से उसमें तेजी देखने मिला। फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेजी देखने मिल रहा है। जब रिलायंस खरीद ले, मतलब इसमें स्टेक ले ले, तब आप बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि जब रिलायंस ग्रुप का ये स्टॉक हो जाएगा तो निश्चित है कि रिलायंस इसे प्रॉफिटेबल बना देगा। लेकिन अभी आपको छोटे मात्रा में ही लेनी चाहिए, मतलब आप अपना जो रिस्क है उसके अनुसार आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 डे देखिएगा 5% का अपर सर्किट, 5 डेज में देखिएगा तो यहाँ पर लो बनाया था 95.60 रुपया का, वहां से देख सकते हैं 2 दिन लगातार अपर सर्किट लगा और कुल 10.20% का रिटर्न दे रहा है। तो 10.20% का रिटर्न दे रहा है 2 दिन में। 1 मंथ में बात करें तो 1 मंथ में काफ़ी डाउन है, 6 मंथ में बात करें तो काफ़ी डाउन है और ईयर टिल डेट में बात करें तो काफ़ी डाउन है, 1 ईयर में देखिएगा काफ़ी डाउन है। क्योंकि बिग बाजार जो है, चाहे फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक्स से काफ़ी ज़्यादा डेट है इस ग्रुप के ऊपर, जिसके कारण ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म है। 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी डाउन आपको मिलेगा, मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो भी डाउन। मतलब ये पूरे जो ग्रुप के स्टॉक्स हैं सब के सब काफ़ी अंडर परफॉर्म है, क्योंकि जो बर्डन है कर्ज का, जो दबाव है कंपनी के ऊपर, जिसके कारण ये सारी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पा रही है। दूसरा है इस ग्रुप का स्टॉक्स, वो है फ्यूचर कंज्यूमर। इसमें भी देख सकते हैं आज अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का और 5 डेज में देखिएगा तो कल तक ये डाउन जा रहा था, आज ही पहली बार इसमें अपर सर्किट लगा। उसके बाद 1 मंथ में देख सकते हैं तो 1 मंथ में लगातार डाउन आया है ये स्टॉक्स। 6 मंथ में देखिएगा तो 6 मंथ में ये भी स्टॉक्स 18 रुपया का अपना हाई बनाया, वहां से फिर से लगातार लोअर सर्किट। एयरटेल रेट में देखिएगा तो ये स्टॉक्स चल रहा था 25 रुपीज पर और जब से इसका जो कर्ज है इसका ग्रुप का काफी ज्यादा न्यूज में आया, तब से इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने मिला और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है सारे के सारे स्टॉक्स। और मैक्सिमम ईयर में बात करें तो पहले ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा था इन्वेस्टर को, अब देख सकते हैं कि जब से, मतलब 2018 से जब से कर्ज के बारे में न्यूज़ आया है इन्वेस्टर के बीच, तब से ये स्टॉक्स लगातार फॉल कर रहा है। तो आप इन स्टॉक्स में तब इन्वेस्ट करें जब रिलायंस का कन्फर्मेशन आ जाता है कि रिलायंस ने इस ग्रुप में इतना स्टेक्स लिया कि इसके सारे कर्ज को पे किया जा सकता है, तो निश्चित है कि ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिजनेस कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है, बिजनेस उसी तरह से चलेगा जैसे सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद, लेकिन सिर्फ कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद इसका तीसरा स्टॉक है फ्यूचर इंटरप्राइजेज। ये जो ग्रुप का स्टॉक्स है फ्यूचर इंटरप्राइजेज, इसका कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन फ्यूचर ग्रुप सारे के सारे बात करें तो सारे के ऊपर काफ़ी कर्ज है, बहुत सारे शेयर प्लेस्ड हैं लेकिन इस कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्यूचर इंटरप्राइज, इसका कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। इस स्टॉक में भी देख सकते हैं काफ़ी मतलब तेजी देखने मिला, इसमें भी अपर सर्किट कई दिन पहले से ही, मतलब और सारे स्टॉक्स में कल से या आज से अपर सर्किट लगना शुरू हुआ, इस स्टॉक में कई दिन पहले से ही सर्किट और 20% का देख सकते हैं तेजी इसमें देखने मिला है इधर कई दिनों से। उसके बाद इस ग्रुप का जो अगला स्टॉक है वो है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन। ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, आप देख सकते हैं इसमें भी 5% का अपर सर्किट, 5 डेज में देखिएगा तो इसमें ये भी अपना काफ़ी लो बनाने के बाद, जो 103 रुपीज का लो बनाने के बाद इसमें भी लगातार अपर सर्किट का ट्रेंड आज से पकड़ चुका है। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है इस ग्रुप का, इसमें देख सकते हैं ये 418 रुपया का चला करता था, 418 रुपीज का, और अभी ये स्टॉक्स मात्र है 110 रुपीज पर। तो ये सारे स्टॉक्स से काफ़ी बेहतरीन है, बस कंपनी में एक ही न्यूज़ है, कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है जो कि फ्यूचर ग्रुप पे नहीं कर पा रहा है, तो वैसे में अपना स्टेक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो बातचीत जो चल रहा है अंबानी जी से, अगर वो कंफर्म हो जाता है तो निश्चित है कि आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक कन्फर्मेशन आ नहीं जाता है। उसके बाद अगला है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क। इसमें भी देख सकते हैं 5% का अपर सर्किट,
इसमें कल से ही अपर सर्किट लग रहा है, तो ये भी अपना लो जो बनाया था इस बार का वह 19.55 रुपीज़। और इसका जो ऑल टाइम लो है जब पैंडमिक आया था तो 8.60 रुपीज़। तो काफ़ी ये भी स्टॉक्स इस ग्रुप का बेहतरीन स्टॉक्स में से है। ये भी स्टॉक देखते हैं 40 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी काफ़ी नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहा है। अभी ये स्टॉक्स 150 रुपीज़ के भी ऊपर जा चुका था। तो सारी कंपनियों जो है डेप्ट के कारण, डेप्ट में दबे होने के कारण काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने मिली है। उसके बाद आप अगला इसका स्टॉक है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड। फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन इसमें भी देखिए तो आज काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, मतलब 5% का अपर सर्किट इसमें भी है। ये स्टॉक्स अपना लो बनाया 127 रुपीज़ का, वहाँ से इसमें लगातार अपर सर्किट देखने मिल रहा है। और वन मंथ का बात करेंगे तो ये अपना 212 रुपया का यहाँ पर हाई बनाया है, देख सकते हैं 6 जुलाई को, और वहाँ से लगातार लोअर सर्किट और फिर से अब जो है इसमें अपर सर्किट का ट्रेंड आ चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर भी इसे ऑपरेट करते हैं, जब उसका मन होता है तो लोअर सर्किट, जब मन होता है तो अपर सर्किट। तो ऐसे में आप अगर ट्रैप होते हैं हायर प्राइस पर तो फिर आपका जो सारा कमाया हुआ पैसा है वो फंस सकता है। तो इसलिए आप जब तक रिलायंस का कन्फर्म न्यूज नहीं आ जाता है कि रिलायंस से बाय कर लिया है, तब तक आप इसमें हैवली इन्वेस्ट ना करें। वैसे आप सीखने के लिए कुछ मतलब क्वांटिटी ले सकते हैं, छोटा अमाउंट जिसका मतलब जो लॉस भी हो जाए तो आप उसे सहन कर सकते हैं। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो कि अगर रिलायंस इन्वेस्ट करता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। मतलब ये बेहतरीन स्टॉक्स तब है जब रिलायंस इसमें कन्फर्म हो जाता है कि इस रिलायंस इसमें स्टेक ले रहा है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद इस ग्रुप का एक और स्टॉक है फ्यूचर, देखते हैं फ्यूचर DVR। तो ये फ्यूचर DVR है, तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी देखने मिला है। अगर 5 डेज में बात करें तो देखते हैं लगातार अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट देख रहा है 5 डेज में। वन मंथ में देखिएगा तो ये सर लगातार लोअर सर्किट में जा रहा था और अपना लो बनाया 10.70 रुपया के पास। और अगर हम मैक्सिमम ईयर की बात करें तो ये 23 रुपया का स्टॉक हुआ करता था, उससे भी ज़्यादा मतलब 25.65 रुपीज़। अगर 5 ईयर्स की बात करें तो ये स्टॉक्स कभी 100 रुपये के भी ऊपर हुआ करता था, 100 रुपीज़ के भी एफव। और यहाँ से देखते हैं कि सारे जो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स हैं कर्ज के बर्डन के कारण, जो इसके पास डेट है, डेट के बर्डन के कारण काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म रहा है। तो इन सारे स्टॉक्स में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका कन्फर्म न्यूज़ आ जाता है कि अंबानी जी इसमें स्टेक ले रहे हैं, और साथ साथ आप उतनी ही क्वांटिटी इन्वेस्ट करें, मतलब उतने ही अमाउंट अपना इन्वेस्ट करें जितना रिस्क आप ले सकते हैं और जिसके लॉस होने से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपको इसमें एज ए लर्नर, मतलब आप सीखने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ सीखेंगे इन्वेस्ट करके कि कैसे इस तरह के स्टॉक में मोमेंटम आता है, कैसे ऑपरेटर इसे ऑपरेट करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।